Assalamualaikum. How are you? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक. ऑल इज वेल. सो फाइनली काफी दिनों के बाद मुलाकात हमारी हो ही रही है. पिक कर लिया मुझे अभी इन्होंने, असद भाई ने. अभी हम जा रहे हैं किसी अच्छे रेस्टोरेंट, कॉफी वगैरह पियेंगे और अगर इनको भूख लगी हुई तो खाना भी खा लेंगे. मेरा ख्याल है कि वॉलेट अपना लेके आए हुए हैं ये. देखिए जुर्माना मुझे बहुत पुराना था तो जुर्माना भी पे करना जरूरी है, तो वॉलेट मेरे साथ है और रास्ता सर ने बताना है हमें. आगे सिग्नल से यू टर्न ले लो मेरे भाई. जब तक हमारी डेस्टिनेशन आती है चलें असद भाई से बात करते हैं कि थोड़ा सा अपने मुतलक बताएं कि किधर होते हैं, क्या कर रहे हैं आजकल. कामयाबी के गुर तो इनसे हम बाद में सीखेंगे, अभी जरा इनका इंट्रो लेते हैं. सर ने बता दिया है, नाम मेरा असद है और मुझे यूएई में 10-12 साल हो गए हैं. अब बस ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर वक्त गुजर रहा है. स्टार्ट में बिल्कुल एक ठेकेदार से स्टार्ट काम किया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी टीम के साथ, एक अच्छे ग्रुप में और एक अच्छी कंपनी में एज अ सीनियर प्लानिंग इंजीनियर काम करने का मौका मिला. आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया असद भाई? पहले मैं ग्रेजुएट हुआ था एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से एज अ मैकेनिकल इंजीनियर और उसके बाद मैंने करियर का स्टार्ट किया था टेक्सटाइल इंडस्ट्री से, प्रोसेसिंग प्लांट से. उसके फौरन बाद मैं डिफरेंट कंपनीज में एज एक्सपोजर लेने के लिए जाता रहा हूँ, इंटर्नशिप्स भी करता रहा साथ साथ. और फिर उसके बाद मैंने पीएमपी की है. पीएमपी करने के बाद मैं दोबारा फिर प्लानिंग फील्ड के अंदर परमानेंट सेटल हो. ये पीएमपी क्या चीज़ है? वेल, जब हम काम स्टार्ट करते हैं या अपनी जॉब स्टार्ट करते हैं लगता तो हमें ऐसे है कि हम सारे प्रोजेक्ट मैनेजर बन गए हैं. तो जब मैंने भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम स्टार्ट किया 2-3 साल के बाद मुझे लगा कि हाँ जी अब मुझे प्लानिंग बहुत अच्छी आ गई है और आई वुड बी अ मैनेजर. तो फिर मैंने कुछ कोर्सेज के बारे में सर्च करना शुरू की. आहिस्ता आहिस्ता मुझे थोड़ा एक्सपोजर भी मिलना शुरू हो गया और मुझे आइडिया हुआ कि प्लानिंग का कोर्स है जिसकी बहुत वर्थ भी है और वो बहुत अच्छा भी है मार्केट के अंदर, जिसका नाम है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल पीएमपी और इसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट यूएसए करवा रहा है. तो बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल जो है ये एक सर्टिफिकेशन है जो प्रोजेक्ट कंट्रोल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजर्स, कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स, इनके लिए बड़ी वर्थ है इसकी. तो ऑफिस कम्यूट गाड़ी पे करते हैं, बस लेते हैं या पैदल जाते हैं? फिलहाल गाड़ी पे आते जाते हैं. पाकिस्तान में मैंने तो सुना आप साइकिल पे होते थे. बिल्कुल बिल्कुल, साइकिल भी पैदल भी सब कुछ, बल्कि साइकिल चलाना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है अभी भी. तो ये साइकिल से गाड़ी तक का सफर कैसा लगा? मुश्किल था लेकिन पुरजोश था, और जो पुरजोश सफर होते हैं उसमें मुश्किलें आसान हो जाती हैं और एट द एंड जब हम मंजिल पे पहुंचते हैं तो वो एक शेर याद मुझे भी आ गया, वो भी गाना ही है. उसमें वो कहता है शायर कि मुझे उस वक्त जगा देना जब मंजिल सामने आ जाए. तो हमने टीचर से पूछा सर ये क्यों शायर कह रहा है कि जनाब हमें मुझे जगा देना उस वक्त जब मंजिल सामने आ जाए. तो कहते हैं देखो यार अभी आप लोग FSC में हो, आप लोग मेहनत करोगे, पढ़ोगे, दिल लगा के इधर जाओगे उधर जाओगे, कोर्स पे काम करोगे, इंजीनियरिंग में जाओगे, तो आप एक स्ट्रगल कर रहे हैं जिसके अंदर आप बिजी रहते हो और पुरजोश होते हो और आपका टाइम गुजर रहा होता है, यू हैव अ सेंस ऑफ डू समथिंग. सो इसलिए शायर भी ये कहता है कि जो आपकी मेहनत है ना उसमें आपको मज़ा आ रहा है, जब मैं मंजिल पे पहुंच जाऊंगा तो मेरे लिए वो मज़ा वैसा नहीं रहेगा. तो मुझे लगातार मुझे जस्तजू में रहना है, लगातार मुझे मेहनत में रहना है. सर रेस्टोरेंट आ गया. कौन सा रेस्टोरेंट है, कैसा है? वेल पहले भी एक दो दफ़ा नाश्ता किया है यहाँ से, तो रेस्टोरेंट अच्छा है. सर मेन्यू देख रहे हैं लेकिन एक नई चीज़ सरप्राइजिंग इस दफ़ा देखी है कि लास्ट टाइम तो हमारे पास कार्ड का मेन्यू था लेकिन इस दफ़ा उन्होंने हमें टैब्स दिए हैं मेन्यू चेक करने के लिए. एवरी रेस्टोरेंट इज गोइंग टू यूटिलाइज द टेक्नोलॉजी. थैंक यू वेरी मच असद भाई टाइम देने का. और आज हम आपसे कुछ सिंपल से शॉर्ट से क्वेश्चंस करेंगे और कोशिश करेंगे कि लोग उससे कुछ सीख सकें, कुछ रिलेट कर सकें आपके एक्सपीरियंसिस से, और हमें जो कामयाबी के आपका गुर है वो आप हमें बताएं कि आपने कैसे अचीव किया. असद भाई अपना थोड़ा बैकग्राउंड बताएं लोगों को ताकि वो उससे रिलेट कर सकें और आपके मतलब ज़्यादा जान सकें. तो सर थैंक यू वेरी मच कि आज आप मेरी इनविटेशन आपने कबूल की और आज टाइम दिया आपने. आप मेरे टीचर भी हैं और दोस्त भी हैं, तो आज हम चैलेंज डिनर साथ करेंगे और साथ गपशप भी हो जाएगी और थोड़ा एक्सपीरियंस भी शेयर हो जाएगा. जब भी आपसे मिलते हैं तो मोटिवेशन कुछ आपसे हासिल होती है. सर रिगार्डिंग माई इंट्रोडक्शन, मैं बिलोंग करता हूँ शेखपुरे के छोटे से कस्बे से जिसका नाम शाहकोट है. जो मेरी स्टार्टिंग स्कूलिंग थी वो गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 से ही हुई है और उसके बाद मेरा कॉलेज जो लाहौर शिफ्ट हो गया था वहाँ भी मैं गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा हूँ. लाहौर जाने के बाद थोड़ा एक्सपोजर हमारा इंक्रीज़ हुआ है, इन्फॉर्मेशन मिली है, तो मुझे एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में अपॉर्चुनिटी मिली एडमिशन की. तो फिर मैं एयर यूनिवर्सिटी चला गया हूँ. वहाँ पर मुश्किल था, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए थे, सीधी सी बात है ना अंग्रेज़ी आती थी और ना ही अच्छे तरीके से उठना बैठना आता था.
तो ये है कि वक्त के साथ साथ मैच्योर हुए हैं, वक्त के साथ साथ यूनिवर्सिटी में हमें सिखाया है कैसे खुद को ग्रूम करना है, कैसे बात करनी है। जो सबसे अच्छी बात हमने यूनिवर्सिटी में सीखी है वो ये है कि अपने प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करनी है। तो ज़िंदगी में भी यही हम रिकमेंड करूँगा कि जब आप कुछ पढ़ते हैं सीखते हैं तो लर्न हाउ टू सॉल्व द इशूज़। अगर आपको कोई मसले मसाए आते हैं तो आप कैसे इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे और कैसे उसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो ग्रेजुएशन होने के बाद ऑफकोर्स कोई इतनी बड़ी सिफारिशें तो बिल्कुल नहीं थी, जीरो सिफारिश थी। तो इधर उधर जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू किया, एक कंपनी में गया मैं, तो एचआर का था, कहता किसकी सिफारिश से आया हूँ मैं, किसी की सिफारिश से नहीं, डिग्री है मेरे पास, ये मेरी सिफारिश है। तो हंस पड़ा, कहता भाई ऐसे जॉब नहीं मिलती, जाओ कोई सिफारिश ढूंढो। बड़ा गुस्सा, बड़ा दुख, भी अच्छी तरह याद है सीन, बाइक पे वापस आ रहा हूँ घर, मुँह जो है लाल हुआ हुआ है और समझ नहीं आ रही क्या करूँ। तो फिर यकदम ऐसे मेरे जहन में आया कि यार वहाँ पे एक इंडस्ट्री है शुगर की ना, उधर जाके देखता हूँ, पूछता हूँ उनसे। गया उधर, वो कहते भाई इसलिए आए हो, ऐसे ही बताया जिनने जॉब के देखे थे, जॉब तो नहीं है, मगर यार मुफ्त रख लो। अच्छा कहते दोस्तों के बाद आना, मैं दोस्तों के बाद फिर चला गया। वो सारे हैरान हो गए, यार ये मुफ्त काम करने आ गया। तो मैं चला गया भाई, ठीक है मुफ्त काम दो, मुफ्त चला गया। स्टार्ट किया उन्होंने मुझे किस डिपार्टमेंट में जाना है, मैकेट्रॉनिक्स था, मुझे ऑटोमेशन वगैरह का शौक था, मैंने कहा इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल डिपार्टमेंट भेज दूँ। तो फ्री काम स्टार्ट कर दिया, 3 माह मैंने उधर गुजारे, लेकिन एक चीज़ जो मैंने सीखी जो मुझे कोई नहीं सिखा सकता था, मैंने वहाँ बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स की कैलिब्रेशन, वहाँ पे बहुत सारे वॉल्स और जो इनिशियल प्रीलिमिनरी मेरा इंडस्ट्री से एक्सपोजर था मुझे वहाँ से मिला। मीन वाइल वहाँ पे काम करते करते मैं अप्लाई भी करता रहा और मुझे एक टेक्सटाइल प्रोसेस इंडस्ट्री में जॉब मिल गई। अच्छा मज़े की बात, जॉब तो मिल गई लेकिन वहाँ तनख्वाह नहीं थी मिलती, कोई बात नहीं तनख्वाह नहीं मिलती, कोई बात नहीं जॉब तो मिल गई ना एटलीस्ट। तो वो प्रोसेस इंडस्ट्री में काम स्टार्ट कर दिया, पहली सैलरी मिली मुझे कोई 3 माह के बाद। तो लेकिन ये है कि मैंने वहाँ पे अब कोई इतना भाव नहीं था देता, आराम से ड्राइंग्स पकड़नी, ड्राइंग्स पकड़ के लगा कहीं ना कहीं बैठ जाना, अपने ड्राइंग्स को ट्रेसते रहे पढ़ते रहे, ऑपरेटरों से गपशप कर ली। तो ओके जी, वो ऐसे ही वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ आ गई। मीन वाइल मुझे यूए के अंदर एक छोटी सी कंपनी में चांस मिल गया, बहुत अच्छा चांस था, आया हूँ, लेकिन यहाँ पर हालात बहुत टफ थे स्टार्ट में। तो हालात के साथ अब दो ही तो रस्ते थे, या तो भी वापस चले जाओ या यहाँ पे मेहनत कम करो। ज़ाहिर बात है गर्मी के अंदर और ओपन स्काई के अंदर जून जुलाई में काम करना यहाँ पे आसान काम नहीं है। तो बस फिर यहाँ से काम स्टार्ट किया। अच्छी बात यह है कि वापस नहीं गया, वही 6-7 साल काम, 6-7 माह काम किया है, तो उसके दौरान ही एक और अपॉर्चुनिटी मिल गई है और विदाउट एनी सिफारिश, लकीली अल्लाह ताला ने करम किया। लेकिन जो 6-7 माह गुजारे थे बड़ी मेहनत से गुजारे, तो उधर जॉब मिली है, उसके साथ ही 1.5 साल काम किया है, उसके बाद मुझे एक और अच्छी कंपनी में काम मिल गया, वहाँ पे सीखा है और सीखा है। और एक चीज़ जो मैंने सीखी है कि भाई पॉजिटिव रहो, अपने अंदर जस्तजू रखो और लगातार कोशिश करते रहो, हिम्मत मत हारो और अल्लाह ताला से दुआ करते रहो। ये कुछ 4 इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको ज़िंदगी में आगे मेरे ख्याल में ले जाते हैं। तो बस उधर काम करते करते मुझे अंदाज़ा हुआ कि हाँ भी मुझे और भी अब प्रोफेशनली ग्रूम होना है, और सिर्फ एक बैचलर से सब कुछ नहीं होता है। तो मैंने PMP जो है उसमें एडमिशन लिया है, उसकी तैयारी की है, उसे एग्ज़ाम दिए हैं, वो क्लियर हो गया, प्लानिंग डिपार्टमेंट में चला गया, और मौका मिला और कोशिश की, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस भी बढ़ता रहा और अपना नॉलेज भी बढ़ता रहा, अच्छे लोग भी मिलते रहे, हेल्प भी करते रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि मैं एक अच्छे इदारे के साथ एक अच्छी जगह पे अच्छे काम कर रहा हूँ। तो मेरे तो सबको यही पैगाम होगा कि जो आपका जो मोटिवेशन है, जो इंटरनल जस्तजू है, उसको मरने ना दें और कभी भी परेशान मत हों। इंसान ज़िंदगी में ऊपर नीचे बहुत चीज़ें आती हैं, यकीन माने कि मेरी एक भी सिफारिश नहीं थी जब मैं जॉब करने स्टार्ट किया, और इवन मुझे जानता भी नहीं था यूए के अंदर। तो देखिए वक्त के साथ साथ आपके दोस्त ही बन जाते हैं, बहुत अच्छी दुनिया है, वो आपकी हेल्प भी करती है, और अगर आप काबिल हैं, अगर आप मेहनत करने वाले हैं, तो आपको अपॉर्चुनिटी भी मिली जाती है, ये नहीं कि जल्दी नहीं तो बाद में मिल जाएगी, लेकिन मिल जाएगी ज़रूर। ये बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट इन्होंने एक बताया है असद भाई ने, कि इन्होंने जो अपनी पहली 2 जॉब्स की तकरीबन मुफ्त की सिर्फ एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए। हम में से ऐसे कितने लोग हैं जो बग़ैर सैलरी के जॉब करना चाहेंगे ग्रेजुएशन के बाद? तो ये जज्बा चाहिए है कामयाबी के लिए, सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो आप भी इसके ऊपर गौर करें और बताएं कि क्या आप बग़ैर सैलरी के काम सीखने के लिए तैयार हैं। असद भाई, जब आप यूएई आए तो शुरू में आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और कैसे आपने उनको ओवरकम किया, इसके बारे में हमें कुछ बताओ। वैसे सर, जब मैं यूएई में फर्स्ट टाइम आया हूँ तो मुझे फील हुआ कि हम मेंटली तौर पे मैं प्रिपेयर नहीं था रफ एंड टफ कंडीशंस के लिए यूनिवर्सिटी लाइफ से निकलने के बाद। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा मुझे फील हुई है, लेकिन एट द एंड कंक्लूजन ये है कि अगर आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर हैं तो हर किस्म की मुश्किल पर आप ओवरकम कर सकते हैं।
आप बेशक आपको गर्मी में काम करना पड़ रहा है, बेशक आपको लॉन्ग आवर्स काम करना पड़ रहा है, बेशक आपको होम सिकनेस हो रही है, बेशक आपको इस चीज़ का नॉलेज नहीं है जिस चीज़ का आप काम कर रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली अगर आप मेंटली तौर पे स्ट्रॉन्ग हैं और आपने अपने अंदर एक तहिया किया हुआ है कि मैंने एक चीज़ सीखी है और मैंने काम करना है, तो इवेंचुअली आप जो है वो उस पर काम पर अबूर हासिल कर लेते हैं। मैंने रफ सा फार्मूला बनाया हुआ है कि जहाँ भी जाऊँ नहीं काम में जो मुझे नहीं पता, 3 माह में उसके अंदर पूरा गुजारूंगा। 3 माह के अंदर अंदर यकीन माने आपको चीज़ आ जाती है। जॉब्स मैं चेंज करता हूँ, कभी पैसे के लिए चेंज नहीं की, हमेशा अपने कैरियर को और एक्सपीरियंस को जेन में रख के जॉब चेंज की है। तो जब यूएई के अंदर भी आया हूँ तो मुझे एक अच्छे एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं फंस आया था, ठीक है। सैलरी मेरी इतनी थी जितनी शायद एक जो आम वर्कर होता है या कह लें कि आप जो मजदूर है उससे शायद 2 गुना होगी, बस इतनी सैलरी थी कि मैं सिर्फ अपना अफोर्ड कर सकता था जो नॉर्मल मेरी लिविंग है। लेकिन ये है कि वक्त के साथ साथ मैं आगे स्टेप बाई स्टेप रूम करता रहा। मैं कैंप्स के अंदर भी रहा हूँ, हम 8-8 बंदे भी शेयर करते हैं रूम, उसके बाद 4-4 बंदों पे भी हम आए हैं, उसके बाद 2-2 पे भी आए हैं, तो इवेंचुअली फिर अपना घर देने की भी लर्न तौफीक दे दी। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो आपने मूव करना होता है कैरियर के अंदर, वो पैसे की बजाय अगर आप अपने लर्निंग की तरफ मूव करेंगे तो पैसा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। असद भाई, आपने मुझे पहले बताया कि आपने अपनी पहली जॉब फ्री में की, दूसरी जॉब फ्री में की और 3 महीने बाद आपको 3,000 रुपये पहली नौकरी से मिले। तो यूएई में आने के बाद पिछले 10 सालों में आप 3,000 से $3,000 पे पहुंचे हैं, $30,000 पे पहुंचे हैं, कितने कमा लेते हैं? वैसे मज़े का सवाल भी है, इंटरेस्टिंग सवाल भी है। वैसे 3,000 से स्टार्ट किया था और आहिस्ता 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 ये है कि आप लाखों में कमा रहे हैं। लाखों से ये है कि हम एक अच्छी गाड़ी भी अफोर्ड कर सकते हैं, अपनी फैमिली को साथ रखा हुआ है और पाकिस्तान में अपने घर वालों को भी सपोर्ट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा और क्या लाइफ में चाहिए, पैसे की तो हवस ख़त्म नहीं होती। वैसे सर गर्म गर्म खाना आ गया है, प्लीज स्टार्ट करें आप। पेट पूजा तो हो गई, अभी हम असद साहब से पूछते हैं कि वो नए ग्रेजुएट्स को जो लोग अभी जॉब ढूंढ रहे हैं उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे, कैसे वो लोग फास्ट ट्रैक पे जॉब हासिल कर सकते हैं या आगे बढ़ सकते हैं? सर मैं ये कहूँगा कि देखिए जब इंसान ग्रेजुएट होता है तो वो परेशान होता है, देखिए उसके एम्बिशंस भी होते हैं, वो परेशान भी होता है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बेस्ट पॉसिबल वेज अपने लिए फाइंड करते हैं। अगर सिफारिश नहीं आए या कोई आपको जानता नहीं है तो कम अज़ कम आप खुद अपने माइंड से डिफाइन करें कि आप क्या बनना चाहते हैं। फिर उसके अंदर छोटे छोटे सॉफ्ट स्किल्स हैं या उनकी हार्ड स्किल्स हैं उस पर काम करना स्टार्ट करना है। कैसे जनाब, देखें एमएस ऑफिस है, ज़्यादातर एमएस ऑफिस ही नहीं आता हम जब जाते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, ठीक है। तो इन चीज़ों पे काम करें बंदा वक्ती तौर पे। मीन वाइल आप लोग आजकल लिंक्डइन बहुत अच्छा एक प्लेटफार्म है जहाँ पे आप अपनी फील्ड के बंदों को फिल्टर आउट कर सकते हैं, उनसे ट्राई करें रब्ता करने की। लाजमी ने डायरेक्ट नौकरी मांग लें, ठीक है, आप उनसे कुछ स्किल वगैरह के बारे में पूछें, मोस्ट ऑफ पीपल हेल्प यू। तो यही बात है, अपना परेशान मत हो, फोकस अपने गोल पे फोकस रखें और जितना पॉसिबल आपसे एफर्ट्स हो सकती हैं स्किल्स को सीखने की तो स्किल्स को सीखने की। अच्छा अब फिर ये है कि जॉब के लिए जो है ना ये साइकोलॉजिकली भी एक गेम है कि आपने परेशान होकर जॉब से छोड़ नहीं देना। जैसे मैं आपको बताता हूँ स्टार्ट में जब मुझे बंदने का भी सिफारिश आया तो मैं परेशान हो गया, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती, लगातार कोशिश करते रहते हैं, लगातार जॉब से अप्लाई करें, आपको यकीन माने अपॉर्चुनिटी मिल ही जाएगी। ये बहुत फेमस कहावत है, शायद आप बोरिंग भी आपको लगे कि जनाब वो जो KFC का बंदा था वो 1,000 persons के बाद गया और एंड वाले बंदे ने उसको ऑफर कराई रेस्टोरेंट ओपन करने की, तो ये हकीकत भी है। आपने कंटिन्यूसली ट्राई करते रहना, इवेंचुअली फौरन रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आपको थोड़ी देर के बाद मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच असद भाई, आपने अपना बैकग्राउंड भी दिया, कामयाबी के कुछ गुर भी हमें बता दिए। अब ये बताएं कि फ्यूचर में आप आगे क्या करना जा रहे हैं और फ्यूचर के आपके क्या प्लान्स हैं और अगला ज़िंदगी का जो कामयाबी का जीना है वो कैसे आप चढ़ना चाह रहे हैं, ज़रा हमें कुछ बताएं उस बारे में। वैसे सर ज़िंदगी सीखने का नाम है और लगातार सीख रहे हैं, कुछ मेरी टेक्निकल स्किल्स हैं जिन्हें मैंने इम्प्रूव करना है, मेरी सॉफ्ट स्किल्स हैं मैंने इम्प्रूव उसको कर रहा हूँ और साथ साथ मैं बुक रीडिंग की आदत अपना रहा हूँ। हेल्थ बहुत ज़रूरी है तो अपने कुछ टाइम है उसमें से टाइम अपना फिक्स करना है जिसमें मैं अपनी एक्सरसाइज वगैरह करूँ,
और साथ साथ इंटरप्रेन्योरशिप का मुझे बहुत शौक है। अपनी स्किल्स में ग्रूम कर रहा हूँ, डिफरेंट जो बिज़नेस के एस्पेक्ट्स हैं और बिज़नेस के जो स्किल्स हैं वो सीखने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि इवेंचुअली जो है मैं अपना कोई ना कोई वेंचर स्टार्ट कर सकूँ। जो ज़िंदगी है उसमें आप सिर्फ एक ही जगह पे फोकस नहीं कर सकते, आपको डिफरेंट डायरेक्शन में मल्टीपल स्किल्स भी होना पड़ता है। तो इंशाल्लाह नियर फ्यूचर मेरा प्लान है कि मैं अपने जो एंटरप्रेन्योरशिप है उस जर्नी को भी स्टार्ट करूं और उसको आगे लेके चलूं। उससे ये है कि मैं जॉब क्रिएशन में भी हेल्प करूँगा कंट्री की, और अपने जो मेरे फेवरेटेड लोग हैं उनकी भी हेल्प कर सकूँगा, और ऑफकोर्स वो मेरी हेल्प करेंगे तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। ये बताएं असद भाई, जो लोग यूएई आना चाहते हैं या मिडल ईस्ट में जॉब हासिल करना चाहते हैं, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? वैसे सर, अच्छे बंदे की हमेशा फील्ड में ज़रूरत होती है, और लिंक्डइन है, Bate.com है, उसके बाद मॉन्स्टर है, उसके बाद नौकरी गल्फ है, ये ऐसी वेबसाइट है जिसपे लगातार पोजीशन आती रहती हैं, और आपके पास राइट स्किल हैं तो ऑफकोर्स लोग आपको हायर करेंगे और आपको चांस देंगे। और आपको लिंक्डइन के अंदर ट्राई करना चाहिए कि अपने रेफरेंस बना सकें, रेफरेंस कैसे आप लोगों को अप्रोच करें अपनी फील्ड के अंदर, उनके साथ नॉलेज शेयर करें, उनसे कुछ छोटी मोटी नॉलेज के बारे में हेल्प लें, तो इवेंचुअली आपका एक रिलेशन बिल्ड हो जाता है। कुछ अगर आप रिटर्न में ऑफर कर सकते हैं कोई हेल्प या किसी किस्म की कोई नॉलेज शेयरिंग, तो वो करें, ऑफर करें, तो इस तरह आप इवेंचुअली कोई ना कोई जॉब जो है आप ढूंढ सकते हैं। और यूएई बहुत ही अच्छा कंट्री है रहने के हवाले से, काम करने के हवाले से और अपॉर्चुनिटी के हवाले से, इतना अच्छा पुरसकून मुल्क आपको कहीं भी मिलेगा। थैंक यू सर, आपने इनविटेशन कबूल की और आपने टाइम दिया, और बहुत अच्छा टाइम गुजरा है। बस एंड पे एक बात कहना चाहूँगा कि चैनल को लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए। घर आ गया है, सोने का वक्त हुआ जाता है। थैंक यू वेरी मच असद भाई फॉर योर टाइम। टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।